हेलो गाइस, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग टेक्नो फोटोग्राफी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी फोटो में ग्रीन एंड ब्लू कलर इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह की फोटो एडिटिंग करनी है तो लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको स्टेप बाई स्टेप समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लेना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने वीडियो को जरा भी स्किप किया तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको वीडियो को स्टेप बाई स्टेप देखना है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मैं अपनी फोटो एडिटिंग के लिए लाइटरूम एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ, ये सबसे बेस्ट ऐप है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम अपनी फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पर लाइटरूम पे आ चुके हैं। यहाँ से हम अपनी फोटो कर लेंगे सेलेक्ट, और तो ये हमारी फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो रही है। हमारी फ़ोटो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम अपनी फ़ोटो में पहले लाइट इफेक्ट डालेंगे। यहाँ से लाइट पर जाएंगे, इसके एक्सपोजर को हम थोड़ा से बढ़ा देंगे, उसके बाद कंट्रास्ट को भी हम थोड़ा सा मैनेज करेंगे, इसको हम +70 रख देंगे। उसके बाद हाईलाइट पर जाएंगे, हाईलाइट को भी हम थोड़ा से -25 कर देंगे। उसके बाद शैडो को भी हम थोड़ा से माइनस में रखेंगे, इसको हम 27 रख देंगे। और वाइट को हम +15 रखेंगे, और ब्लैक को भी थोड़ा से हम बढ़ा देंगे, इसको 8 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम कलर वाले ऑप्शन पर आकर मिक्स टूल पर जाकर यहाँ से रेड पर इसके ह्यू को हम थोड़ा से बढ़ा लेंगे, इसे 23 कर देंगे। और सैचुरेशन को भी हम थोड़ी सी घटा देंगे, सैचुरेशन 14 रखेंगे हम। उसके बाद ऑरेंज टूल पर आकर यहाँ से हम इसकी सैचुरेशन को -30 और लूमिनस को हम +31 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से एलोट कलर पर आकर इसकी हम ह्यू को हम +76 कर देंगे, और सैचुरेशन को हम माइनस में रखेंगे, और इसकी लूमिनस को भी थोड़ा से हम घटा देंगे। उसके बाद ग्रीन पर आकर इसके हम ह्यू को थोड़ा से इसको हम +20 रखेंगे, और इसकी सैचुरेशन को भी हम +30 रखेंगे, और लूमिनस को हम +9। और यहाँ से स्काई कलर पर आकर इसके ह्यू को हम +8, सैचुरेशन +9। उसके बाद यहाँ से ब्लू वाले टूल पर आ ब्लू कलर पर आकर इसके हम ह्यू को -16 रखेंगे, और सैचुरेशन को हम +15 रखेंगे, और लूमिनस को हम -10 कर देंगे, इसको हम -10 रखेंगे। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। इसकी वाइब्रेंस को हम थोड़ा से बढ़ा देंगे, इसकी वाइब्रेंस को हम +23 कर देंगे, और इसकी सैचुरेशन को भी हम थोड़ा से बढ़ा देंगे, इसको हम +20 रखेंगे। टिंट को भी थोड़ा से हम माइनस में रखेंगे, -1 कर देंगे। उसके टेम्परेचर को भी हम थोड़ा से इसको -2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम इफेक्ट पर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारी जो क्लियरिटी है इसको हम थोड़ा से इसको बढ़ा लेंगे, जी देखिए, तो हमारी क्लियरिटी 21 हो गई। और डीएच को भी हम थोड़ा से प्लस में रखेंगे, इसको हम +19 रखेंगे। इसको आप कम भी रख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम विगनेट को हम माइनस में रखेंगे, इसको हम -30 कर देंगे, और मिड पॉइंट को हम इसको 47 रखेंगे, और इसके फेदर को भी हम +66 कर देंगे, और राउंडनेस को हम 25 रखेंगे। तो यहाँ से हमारी फ़ोटो फुल कम्प्लीटली हमारी एडिट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना बेस्ट कलर आ चुका है। ये देखिए, आफ्टर एंड बिफोर, बिफोर हमारी फ़ोटो ऐसे थी और आफ्टर ये हो चुकी है। यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को शेयर वाले टूल पर यहाँ से हम सेव टू डिवाइस कर लेंगे, यहाँ से हमारी फाइनली फ़ोटो सेव हो जाएगी। ये देखो, हमारी फ़ोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो